नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाई आज मैं अब सुबह निकला हूँ और एक बार अपनी गाड़ी ठीक करवाऊँगा थोड़ी ही कुछ इसके, जैसे एक बंदे के पास ही जाती मेरी गाड़ी ठीक हो है, मतलब लेके जाता हूँ उसी के पास। तो उसने कहा था भाई थोड़ा सा इसमें वेल्ड करवा ले चेसी में, अभी तो छोटी मोटी दरार है वो, पर आने वाले टाइम में ना वो हो सकता है कुछ बढ़ जाए, तो हम उस चीज़ की तरफ ना जाने की बजाय फिर हम उसको ना पहले रिपेयर रखते हैं अपनी। चलो भाई ठीक है, ये अभी बात तेरी सही है। तो आज मैं सोच रहा हूँ वो एक बार वहाँ पर ना दो चार पत्ती वेल्ड करवानी, ज़्यादा कुछ नहीं है, लंबी करके पत्ती या सरिया कोई भी वेल्ड करवा दूँगा, जिससे ना फिर आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तो कोई दिक्कत है नहीं, पर आने वाले टाइम का की सेफ्टी की बात है मेनली, तो वो करवाऊँगा। और टाइम तो आज तो मुश्किल लगा, फिर चलो शाम को तो लग जाएगा टाइम, 5 बजे के बाद। तो भाई किसी भाई ने पता हो कौन सी कंपनी के डलवाने चाहिए, बेस्ट कौन सी के होते हैं, तो बताइए एक बार, सजेस्ट करियो कि भाई इस कंपनी के डलवा लो। मैं तो ब्रिजस्टोन, योकोहामा या फिर मिशलिन के डलवाने की सोच रहा हूँ, बस ये तो तीन में से सोच रहा हूँ। मिशलिन और योकोहामा में से पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी, थोड़े से महंगे हैं पर वही बात है, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, क्योंकि जो टायर का पता था वो लगता है जब आप गाड़ी है ना लगातार चलाते हो ना, लगातार 5-6 घंटे लगातार गाड़ी चल रही हो है गर्मियों में, कच्चे पक्के रास्ते में, कभी कच्चा आया कभी पक्का आया, कभी कुछ है कभी कुछ है, ऑफ रोड में जैसे कि, तो वहाँ टायर अपनी औकात याद ही ला देते हैं भाई, उनके औकात याद आ जाती है, औकात का पता लग जाता टायर की का, क्योंकि टायर में थोड़े दिन बाद बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बबलिंग हो जाती है उनमें, सबसे बुरा हाल है नकली टायर डलवाने में, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो उस कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा कौन सी का, चलो छोड़ो, मेन तो टायर ठीक डलवाने थे और छोटे मोटे हैं, अपने इसको करवा करूँगा अपना करें दूध और क्या, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है ही, तो अपना गाड़ी को टिट फोर फिट रखा है बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से। चलो भाई वेल्ड करवाते हैं आपको। ले भाई गाड़ी ठीक करवाना है, यो भाई ठीक करेगा, बिल्कुल करेंगे, यो वेल्डिंग कराया गाड़ी भाई नोटी थी, बाकी इसने तो यो तो बेचारा करण ने तैयार बैठा, एक नर भाग दिखाऊंगा तुम ना जा फोन ला कर भी नर भाग दिखाता हूँ तुमने, तड़के ना गोली देगा मेरे तो, यो यो देखियो सुन ला न छेती शक्ल दिखा दूँ। हाँ जी एक बार एक तो थोड़ा मार रहा है, यू हो न छेती तड़किया गाड़ा ठाली लोटिया सुन ला रहा, काम नहीं करता कती जमा भी। अरे भाई तेन कहेगा इस भाई यो नु कहेगा आतक वाले गाड़ी खड़ी कर दिया, और मैं ना तड़क अपने आप ले जाऊंगा इसने कर दूंगा, करी वक्त गाड़ी खड़ी कर दी भाई ने, भाई ये लेगा अपने आप जा कर सारे काम अपने आप करे इसने, थोड़ा इसमें ना यहाँ तक चेसी में वेल्ड करवाना था, दिखाता हूँ तुम्हें इधर तो है ना थोड़ा सा चेसी में उस साइड तो है ना थोड़ी थोड़ी फट रही थी भाई, मिट्टी मत देखना क्योंकि लास्ट टाइम रोड बना था ना उसमें गई हुई थी, रोड बन रहा था तो वहाँ चला रहे थे, तो उसमें रेत बहुत ज़्यादा चढ़ गया था ऊपर, ये देख ये ना 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 ये देखिए सामने पत्ती दिख रही है ना वेल्ड हुई, यहाँ पर ना थोड़ी क्रैकिंग आ गई थी चेसी में, बस इस छोटे से इस एक ऐसे मोड़ मोड़ में कहीं लगी होगी तली में, तो उसके चक्कर में है ना वेल्ड करवानी पड़े, वो मिस्त्री बोला भाई वेल्ड करवा दी ना, लंबी चलानी है ना है नहीं बेचनी होगा लंबी रखनी है तो उसमें कोई दिक्कत ना होगी आने वाले टाइम में, बाकी भाई पर भरोसा भाई कर दे एक नंबर कर देगा बिल्कुल एक नंबर, चलो बढ़िया भाई इन्हें ठीक करवा फिर देखें वेल्ड, किस्मत और भी अगर लाइट भाग गई सब तक बुरा हाल रही हो देखना लाइट और भाग, चलो फिर ठीक करके फिर दिखाता हूँ तुम्हें कैसे क्या क्या होना इसका। लो भाई ओके रिपोर्ट होगी पति, देखो ये बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास स्टोरी ने वेल्ड कर दिया, मस्त वाली वेल्डिंग बिठा दी, बस इतना यो ज्वाइंट में थोड़ी सी तड़कन तड़क सी आ रही थी इसकी, ओहो कैमरा छूट गया हाथ में थोड़ा क्या इसमें ज्वाइंट में थी थोड़ी ही या बाकी सही हो गया गति तो मैं एकदम मस्त, ये जो छोटा मोटर था ना वो और ख़त्म हो गया, जो था थोड़ा मोटर वो भी गया, तो यो था भाई इस तरीके से पूरी वेल्ड होगी, ये अपना घर चलते हैं भाई पैसे दे देंगे, यो भाई कुछ और काम लग रहा है, अरे यो छोटा सा रारू शहर है 24 घंटे इसमें कुछ बुश वगैरह निकालना होगा इसका,
इसने काट देगा। तो तब तक मैं टायर टूर डाल लेता हूँ इसका अपना, क्योंकि भी डालना है भाई टायर डाल के, और टाट टाग है चलने की तैयारी करते हैं फिर। इधर भी है पता क्यों यार, हम टॉफी ले रहे थे मानिक ने ना एक टॉफी, पहले देख लो क्या कर रहा है मानिक। टॉफी उठा रहा है मानिक ने, टॉफी का पैकेट दिया मेरे को पॉलिथीन में, और मेरे को बोला पापा गांठ खोल दो। कितनी है आपके पास? मैंने गांठ खोल के अपनी दो टॉफी निकाली और वापस बंद कर दी। तो इसको आ गया गुस्सा, मैं बोला भाई ले ले अपनी टॉफी एक, तो फिर गुस्से में आ गया, फिर मेरी केबल निकाल दी लैपटॉप की, सारा कुछ कर दिया। तो मैंने पता क्या किया कि गांठ खोल के दोबारा दे दी, और मैंने जो उसको टॉफी दी ना फेंक के मारी, मानी किधर आ जा भाग कर आया है, और वो मैंने बोला ना वो उठा ले टॉफी, वो टॉफी तो उठाई नहीं, वो पॉलिथीन लेके भाग गया, सारी गिर गई नीचे। एक के बदले में 20 उठानी पड़ गई। हम आती भी नहीं बोला करते गिर लिया करने हो गए। क्या है जो होता है वो अब टूट गया ना तो पिटाई भी होगी। पैर लगा, पैर हटा गए, पैर हटा गए तब करे। हाँ इसका हाथ लगा दिया, लेकिन थोड़ा हाथ लगा के नीचे से देखिए अब ये करेगा, चल कर कर ऊपर खींचा अपने हाथों से, ऐसे ऐसे जा, नहीं नहीं लवन्या पेट टूट जाएगा ना अपनी, ना ना पहले तो जाका। मैंने मुझे क्या पता, मैं सोच रहा मैं घर जा रही होगी, खेलाऊं फिर मैं खेलूं, चलो ठीक है मैं पत्थर परी खेल रही, चलो हटा रेडी रुक जाओ, रेडी हो गए ना सारे, रेडी स्टडी गो, रुक जा 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 नांगल वो रह गए थे भागने। चलो भाई खड़ा हो ले मानिक, खड़ा हो ले, रेडी पीछे हो दो स्टेप, पीछे पीछे हो जा, हाँ ठीक है, रेडी रेडी स्टडी गो, वाह वाह लेक रुके मार दिए थे तो फर्स्ट के हैं, चलो बढ़िया भाई, बाकी मुंह आगे दिखा। तो क्या हो गया, वाह 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 मजा आ गया, डेली आ जा रहा, लेकिन डेली प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता डेली, थारे कोई नहीं, थारे चक्कर में मैं और पहलवान बन जाएगा। चलो भाई